सभी सरकारी कर्मचारियों को जब सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है तो मेडिकल टीचरों को क्यों नहीं? ये सवाल है मध्य प्रदेश के सैकड़ों मेडिकल टीचरों का। सरकार के दोहरे मापदंडों से परेशान मेडिकल टीचर एसोसिएशन अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने जा रही है। किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, 5-5 लाख रुपए का बिल आ रहा है, लेकिन उसको यहाँ से मात्र 3,000 रुपए पेंशन होते हैं। हंसी का पात्र बनते हैं हम डॉक्टर। सातवें वेतनमान की मांग और अन्य विसंगतियों को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने पिछले दिनों भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बड़ा प्रदर्शन किया था। इस दौरान कई स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर भी पड़ा था। हालांकि मरीजों की समस्याओं के मद्देनजर मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने अपने धरने प्रदर्शन को रोक लिया, लेकिन सरकार के रुख में कोई तब्दीली और आश्वासनों को पूरा ना होता देख अब मध्य प्रदेश का मेडिकल टीचर एसोसिएशन आर पार के मूड में नजर आ रहा है। हमारे कई सारे डिमांड थे जिसमें सातवां वेतनमान था, समयवान वेतनमान था, उसके अलावा 13 विसंगतियां थी जो विभागीय विसंगतियां है, जिसमें CCL है, मेडिकल रीएम्बर्समेंट है, ग्रेच्युटी है। इन सब मांगों को लेके हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं। ये पिछले डेढ़ साल में ये तीसरी बार हम आंदोलन कर रहे हैं और हर बार हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि ये हो जाएगा, ये बाद में कर देंगे या अभी कर देंगे। तो अभी भी कैबिनेट में खाली एक सातवां वेतनमान, वो भी आधा अधूरा, जो हमारे मांगों के हिसाब से आधा अधूरा उन्होंने पास कर दिया है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और इस बार की जो लड़ाई है ये जो है हमारे सम्मान के लिए है। हम खाली वेतन के लिए नहीं जा रहे हैं, जो बहुत मूल बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें अभी तक सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है, उस बेसिक चीज़ के लिए हमें इस तरीके से आंदोलन करना पड़ रहा है और हमें इसके लिए शासन ने मजबूर कर दिया है अब। और हम 17 को आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़े आगे जाके हम 30 सितंबर तक सामूहिक इस्तीफा देने के लिए भी हमारे 13 मेडिकल कॉलेज के हर एक मेडिकल टीचर पहले से तैयार बैठे हुए हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश मालवीय, मैं हमारे मेडिकल टीचर्स जो कि लगभग 3,500 हैं और प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में कार्य करते हैं, मैं उनकी व्यक्तिगत और समस्याओं को लेकर शासन के समक्ष हम एक आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से तकरीबन 3,000 चिकित्सा शिक्षक जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। उनको मूलभूत सुविधाओं का भी अधिकार उनको नहीं मिल सका है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। 17 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने बड़ी तैयारी की है। एसोसिएशन को दीगर मेडिकल संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए इस प्रदर्शन को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। हेल्थ फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।